कि मैं ना मानूं जी, वहां पता नहीं आरएसएस है, पता नहीं क्या है, किसी ने सुना तो पता नहीं इंडिया को वाल से लगा दूंगा। कहीं वाल से लगा इंडिया? आरएसएस की कहानी जो इमरान खान साहब ने इतने तसलसल के साथ हर माज पे सुनाई, वो सुनने के बावजूद उन्होंने इंडिया को हर माज पे गले लगाया। जिनको आप ब्रादर इस्लामी मुल्क कहते हैं, उन्होंने मोदी साहब को बुला बुला के वो अवार्ड दिए जो कभी खुद उन्होंने नहीं दिए। जर्मनी के डॉक्टर टोबियस लिंडलर कहते हैं कि नो मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विदाउट इंडिया। इंडिया क्या काम कर रहा है अपना, कि वो दिन ब दिन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने मकासद के लिए, जबकि पाकिस्तान से एक काम कर रहा है 1947 से। पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री जाता है कहीं फॉरेन ट्रिप पे तो प्रेस ये लिख रहा होता है कि भाई कितना पैसा लेके आएंगे, कितनी भीख लेके आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरा खत्म हो गया है। 3 दिवसीय यात्रा का समापन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में अपने अल्प प्रवास के बाद स्वदेश लौट चुके हैं। यूरोप दौरे के आखिर में पीएम मोदी ने पेरिस में फ्रांस के नव निर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। भारत फ्रांस रिश्तों के 70 साल पूरे होने और रणनीतिक भागीदारी के 24 साल पूरे होने के मौके पर ये मुलाकात हुई। दोनों देश इस मुलाकात से और करीब आए हैं। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, सिविल न्यूक्लियर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने पर दोनों शीर्ष नेताओं ने चर्चा की। जंग ही नहीं, मैक्रों और पीएम मोदी ने जंग से उपजे दूसरे खतरों पर भी बात की और चर्चा की कि कैसे जंग की वजह से दुनिया को होने वाली दिक्कतों से बचाने में दोनों देश मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये कामयाब यूरोप दौरा पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया में भारत के बढ़ते कद को लेकर पाकिस्तान परेशान है। एक तरफ जहां भारत हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी की नई नई बुलंदियों को छू रहा है, वहीं पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबता जा रहा है। यूएई की कंपनीज ने जाके इंडियन जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी है। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क किसी ऐसे मुल्क में कैसे किया जा सकता है जो 2 अरब डॉलर के लिए लोगों की गाड़ी तक चलाने के लिए तैयार हो जाए जिसका हुक्मरान। तो इसलिए आप ये इस पे तवज्जो दें जनाब जीमा साहब, ये मुल्क की जो ये खामखा की कॉम्प्लेक्स ऑफ सुपीरियरिटी है इसको हटा के तो खुद ही को थोड़ा सा डिवेलप, खुद ही और कॉम्प्लेक्स ऑफ सुपीरियरिटी में फर्क है। ये कॉम्प्लेक्स का लेसन साथ में यूज कर रहा हूँ कि जब आपको एक गैर जरूरी किस्म की गलतफहमी हो जाती है कि हम बहुत अजीम लोग हैं पाकिस्तान में। आज भी मैं ये दावा सुन रहा हूँ कि कल आपका एक मिनिस्टर कह रहा था जी ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, हम बड़ी अजीम कौम है, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है और यहाँ पे ये क्या हो रहा है। यानी ये अजमत की जो खपत है और अजीम होने में और अजमत के खपत में मुबतला होने में ये बुनियादी फर्क है जो हुक्मरान तबकात को आ नहीं रहा। वो जहाँ कोई इकदार में बैठता है वो बिल्कुल रियलिटीज को ही भूल जाता है। इमरान खान साहब का रवैया यही इंडिया की तरफ रहा कि मैं ना मानूं जी, वहां पता नहीं आरएसएस है, पता नहीं क्या है, किसी ने सुना इंटरनेशनली जो उन्होंने समझा था उनके दिमाग में ये खबर आ गया था कि मैं बीजेपी को आरएसएस के साथ जोड़ के जो 2 डिफरेंट किस्म की एंटिटीज हैं तो पता नहीं इंडिया को वाल से लगा दूंगा। कहीं वाल से लगा इंडिया, बल्कि उसके बरक्स पूरी दुनिया ने ये सुनने के बावजूद तफसील से आरएसएस की कहानी जो इमरान खान साहब ने इतने तसलसल के साथ हर माज पे सुनाई, वो सुनने के बावजूद उन्होंने इंडिया को हर माज पे गले लगाया। वो और किसी और को छोड़े इस कहानी के एन दरमियान में जो ये आपकी गल्फ स्टेट्स हैं जिनको आप ब्रादर इस्लामी मुल्क कहते हैं, उन्होंने मोदी साहब को बुला बुला के वो अवार्ड दिए जो कभी खुद उन्होंने नहीं लिए। अब ये होते हैं अक्लमंदों के लिए इशारे। इंडिया का नौजवान आज जो है वो ख्वाब बेंगलोर में बैठा हो या सिलिकॉन वैली ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठा हो, उसका एक ब्राइट फ्यूचर है, वो टेक्नोलॉजी पे उस पर नजर है, उसकी दुनिया की मैशियत पे नजर है। आप 3 सालों में एक तकरीर करके तो 3 साल वो तकरीर भेजते रहते हैं अपने ऑडियंस को, तो आप समझते हैं कि इंडिया डर जाएगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता जनाब। ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है जो कि बड़ी बदकिस्मती की बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें जब पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री जाता है कहीं फॉरेन ट्रिप पे तो प्रेस ये लिख रहा होता है कि भाई कितना पैसा लेके आएंगे, कितनी भीख लेके आएंगे, कितने लोन लेके आएंगे, चाहे वो अमरीका जाए, सऊदी जाए, यूरोप आए, कहीं भी जाए, ये होता है। और भारत का जब प्रधानमंत्री जाता है तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में क्या डेवलपमेंट होगी, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड रिलेशनशिप कैसे होंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फैसले क्या होंगे, इस तरह की चीजें डिस्कस होती हैं। तो फर्क यह है कि भारत एक पार्टनर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का और पाकिस्तान एक भिखारी है। पाकिस्तान पैसे मांगने के लिए जाता है, भारत डील करने जाता है ट्रेड की, डिफेंस की, इंटरनेशनल ट्रेड की, क्लाइमेट चेंज की, ग्रीनरी, ये सारे इश्यूज जब पाकिस्तान का लीडर पर बाहर जाता है तो नहीं डिस्कस किए जाते। कि जर्मनी के डॉक्टर टोबियस लिंडलर कहते हैं कि नो मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विदाउट इंडिया। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं।
पूरी दुनिया भारत की चाहती है कि भारत के साथ कहीं ना कहीं कोई सेटिंग हो, कोई ऐसी डील हो कि जिससे कि चीजें डेवलप हों। पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में इंग्लैंड, पोलैंड, पोर्टुगल, लक्समबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे और बहुत सारे मुल्कों के लीडर्स, मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ने भारत का दौरा किया है, पाकिस्तान का किसी ने नहीं किया इस पूरे पीरियड में। अब पाक भारत तालुकात हैं वो कहां भी खड़े हुए हैं, जबकि इंडिया को ग्लोबल ओपनिंग्स मिल रही हैं। इंडिया जो है वो यूरोप के साथ जिस तरह लाइन है, अमेरिका के साथ जिस तरह लाइन है, इवन के मिडिल ईस्टर्न ममालिक के साथ, यूएई के साथ 100 बिलियन डॉलर का एक वायदा किया, जहां पे हम जाके कह रहे हैं कि हमें 3-4 अरब डॉलर दें। इंडिया अपना काम कर रहा है और पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। इंडिया क्या काम कर रहा है अपना, कि वो दिन ब दिन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने मकासद के लिए, जबकि पाकिस्तान से एक काम कर रहा है 1947 से, वो है कंडेम करना। ये कांगलू का दौर नहीं है कि आपके पास है कुछ नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस आप मांग रहे हैं पूरी दुनिया से ज्यादा। सऊदी अरबिया जो है उसने राजी हो गया कि आइंदा कई सालों में आपको 8 अरब देगा, तो आप जश्न बना रहे हैं पाकिस्तान में, और इमरान खान को ताने दे रहे हैं कि उसने पता नहीं ड्राइविंग भी करके तो कोई 2 अरब लिया था, तो आपने बगैर ड्राइविंग किए इतने अरब का वादा ले लिया। जब आपकी सिचुएशन ये हो गई फाइनेंशियली, इज बिकमिंग ए जोक, आप एक लाफिंग स्टफ बन रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। आपका ये ख्याल रहा कि भारत को अब इंटरनेशनल स्टेज पे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पर प्ले करना होगा, और मुझे लगता है कि भारत अब प्ले कर रहा है, तो आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की भाषा और इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की जो भाषा रही, जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था वाशिंगटन में, तो वो जो आपकी इच्छा थी, आपको लगता है कि अब वो काम आगे जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच थी मोदी जी की जबरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी का ये कहना कि साहब ये जंग में कोई जीतेगा नहीं, देयर आर नो विनर्स इन दिस, मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स रशिया। लोग चाइना को वॉर्न कर चुके हैं कि यू आर सपोर्टिंग रशिया, डोंट सपोर्ट रशिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरा का पूरा सर ये मैन्युफैक्चरिंग का मामला है चाइना के अंदर, एक जो पूरी सप्लाई चेन है जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी चलती है, मुझे लगता है मोदी जी कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद 10 अरब यूरो की अनाउंसमेंट चांसलर शोल्स ने कर दी। सो इसका मतलब है कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं जो चाइना में बनती है वो इंडिया में भी बनती है, लेकिन और भी जो इनके हैवी मशीनरी है जर्मनी की जो इस वक्त चाइना में बनती है, कहीं ना कहीं से इंडिया शिफ्टिंग की बात है। ये मामला सप्लाई चेन का है, ये मेरा विश्वास है। आई थिंक दिस विजिट वॉज स्पेसिफिकली टू मूव मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, एंड ही हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड सर, ही हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल। समय लगेगा इस चीज में, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने यूं कर दिया तो कल हो जाएगा, लेकिन ये कर देंगे। इफ एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन डू इट पास्ट एंड फ्यूचर, इट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी हु कैन डू इट। जो भारत की डिप्लोमेसी है, जो वर्ल्ड स्टेज में भारत का प्रेजेंस है, और यहाँ पे मुझे अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सर डॉक्टर जयशंकर ने कमाल का काम करा चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी इन फॉरेन पॉलिसी। यू कांट फाइंड फॉल्ट विद द मैन, जो उन्होंने शट अप कॉल दिया यूरोपियन यूनियन को, और दैट इज द स्टफ ऑफ लेजेंड सर। जब उन्होंने बोला था ना कि व्हाट इंडिया बाइज, ऑयल के बारे में बात करी थी, व्हाट इंडिया बाइज एन अमाउंट यू प्रॉब्ली बाय एन ऑफ, पूरी जो ऑयल की डिप्लोमेसी थी एक सेंटेंस में करके उन्होंने खत्म करके उनकी जेब में डाल दी, बोला बेटा जाओ।